नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, और आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की और भी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने एकमात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें बहुत एनर्जी देता है और ये आप लोगों का ही सपोर्ट है जो हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाइए, तो मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, उसके बाद आपकी जो ये नई भर्तियाँ होंगी तो उसमें वो लागू होगी क्या, जो ये अभी PGT की वैकेंसीज या ऑलरेडी वैकेंसीज पास हो चुकी हैं या आ चुकी हैं क्या उन पे भी लागू होगी क्या, एक शिक्षक बनना अभी से कठिन हो जाएगा, क्या चीज़ें होंगी। तो वीडियो को पूरा विस्तार से देखिए और आपके हर सवाल का जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। तो नमस्कार, मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठे फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे आप मैसेज कर लीजिए, क्योंकि हमारी काफ़ी क्लासेस, काफ़ी क्विज और इसके बाद कुछ पेड नोट्स भी हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये डिसाइड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो अभी हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर जो ये PGT की दिल्ली के अंदर वैकेंसीज आई हैं या अदर स्टेट्स में भी जो वैकेंसीज आई हैं, तो क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी, या जो आने वाली वैकेंसीज हैं TGT की जो अभी नहीं आई हैं या स्पेशल वाली वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो क्या उनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। क्योंकि अभी तक जो सिस्टम है, मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर DSSSB के अंदर अभी कोई इंटरव्यू नहीं होता था, और इसके बाद वहाँ पर शिक्षक बनना इतना कठिन नहीं था, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स कंडीशन से आपको नहीं गुजरना होता था। हालांकि जो मेरिट थी वो काफ़ी ऊपर भी चली जाती थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती थी, सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने एक्टिव नहीं होते, आप समझिए इतने एक्टिव नहीं होते, माइंडली वो बड़े स्ट्रांग होते थे, लेकिन वो अगर इंटरव्यू की बात हो तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी साई टाइप के होते हैं, मतलब काफ़ी शर्मीले होते हैं, काफ़ी उनमें हेजिटेशन होती है, तो इंटरव्यू में उनको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो ऐसे में जो DSSSB के अंदर है वहाँ पे सिस्टम यह है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको मार्क्स लेके आने हैं, और इसके बाद अगर आप उस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं, हालांकि DSSSB की अपनी भी एक कट ऑफ होती है, वो भी क्वालिफाई करनी होती है, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ वैकेंसीज भी खाली चली जाती है और उस कट ऑफ से ऊपर ही नहीं जा पाते। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, अगर कट ऑफ से ऊपर जाते हैं, मान के चलो कोई कट ऑफ DSSSB की अपनी कट ऑफ होती है 30%, 35% और 40%, तो मान के चलो कोई जनरल स्टूडेंट है और उसके 200 नंबर में से जो नॉर्मल DSSSB की पहली कट ऑफ होती है वो होगी 80 मार्क्स, तो सबसे पहले 80 मार्क्स तो उसे लेके आने होंगे कंपटीशन में बने रहने के लिए। अगर 80 मार्क्स से मान के चलो कट ऑफ गई 90 मार्क्स से अगर उसके ज़्यादा हैं या 90 मार्क्स हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा सीधा, वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई वैसे कुछ नहीं है, सीधा वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसमें उसको बहुत सारे टर्म्स कंडीशन से गुजरना होगा, उसका डेमो भी होगा, उसका इंटरव्यू भी होगा, उसका टीचिंग स्टाइल देखा जाएगा, उसका हर चीज़ के मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा। तो ये, और ऐसा नहीं कि सीधा एक टीचर परमानेंट हो गया जाके, हालांकि परमानेंट तो अभी भी नहीं होता, 2 साल के लगभग उसे देखा जाता है, लेकिन उसके बाद और काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगे। तो ऐसे में बच्चों के जो सवाल हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो साथियों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए, अभी के अकॉर्डिंग खासतौर पे PGT की जो वैकेंसीज हैं उनमें अभी ऐसा कुछ नहीं है, इनके जो भी एग्ज़ाम होंगे तो उनमें कोई अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एडवांटेज है, हो सकता है कि काफ़ी बच्चों के लिए एक लास्ट चांस हो। तो इसके बाद जो न्यू वैकेंसीज हैं, उम्मीद ये है 99% उम्मीद ये है कि उसमें भी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी, क्योंकि जो मेरा मानना है कि जो वैकेंसीज पास हो चुकी हैं, जिस तरीके से पास हुई हैं तो उसी हिसाब से रहनी चाहिए।
तो आगे देखते हैं। हालांकि जो मानना यह है, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू होने में भी अभी कई साल लग सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी जल्दी लागू नहीं हो सकती। तो उम्मीद यह है कि जो आपकी जो ये वैकेंसीज हैं, आने वाली कुछ वैकेंसीज जो लगभग पास हो चुकी हैं या जो वैकेंसीज आ चुकी हैं, उनके एग्ज़ाम आपके पुराने तरीके से होंगे और ये अपने आप में लास्ट चांस है आप लोगों के लिए। और आप लोग अगर मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर इन चीज़ों का फ़ायदा लीजिए। और आपको बताना चाहता हूँ, स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है इस पे आप मैसेज करके अपनी फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे क्विज और इसके बाद हमारी क्लासेस और इसके बाद अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो मैं हरबीर सिंह, आप देख रहे थे Study24 ऑफिशियल। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका ही सपोर्ट है जो हम आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।